चाय भी नहीं पी है, मैंने भी नहीं पी है। चाय हम जाके पियेंगे और अभी हम घास को आ गए। और मौसम देखिए, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। फिर मौसम ख़राब भी नहीं हो चाहे फिर भी हम सुबह ले जाते हैं घास, क्योंकि बाद में फिर धूप लगती है। और आज तो मौसम ख़राब है। टोपी देख लीजिए, हिमाचल की फेमस टोपी ये देखो। तो चलिए अभी हम घास काट लेते हैं और बिल्कुल टॉप पे हम पहाड़ी पे इस टाइम। और देखो नीचे, बिल्कुल नीचे गांव दिख रहे हैं और पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। यहाँ पे ना पत्थर ही पत्थर है बहुत ज़्यादा। तो चलिए घास काट लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे आपसे। और पूरा व्यू देखिएगा, सिया के साथ मस्ती, काले चने, काले खट्टे चने, मक्की की रोटी। तो ठीक है ना, मैं घास काट लेती हूँ। बहुत बहुत लेट हो जाएगी, बारिश आ जाएगी। इतनी प्यारी प्यारी हवा चली यहाँ पे, ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे फिर हम घास काट रहे हैं, बहुत पहाड़ी है, बहुत पत्थर है यहाँ पे। और देखो हरा हरा भी हो गया है, तो बस छोटा छोटा होता है ना, इसको काटते हुए थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें, मतलब टाइम लगता है ज़्यादा। और गिरने का बहुत डर रहता है यहाँ पे, थोड़ा सा पैर फिसला ना तो बस गिरने का बहुत डर होता है। इतनी पहाड़ी है यहाँ पर, हवा इतनी अच्छी चली होती है ना आजकल यहाँ पे, मतलब गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है ये हवा। पर हवा से उड़ने का भी कोई पता नहीं होता कि कब जैसे उड़ जाए हवा से। बस ये देखो पत्थरों के बीच में काटना ना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम हम सबसे ऊंची चोटी पे हैं अपने गांव के, और यहाँ पे बहुत हवा चल रही है। और बस अभी हम जाने वाले हैं घर। हमारे पास हो गए हैं, कितने पूरे हो गए, 20 बाइक पूरे लेने, हमने ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत काम है आज, हमने और भी काम करना बहुत ज़्यादा। ठीक है पापा, और हम चल पड़े हैं अब घर को। ये देखिए इन्होंने घास उठाया है, और मैं लकड़ियाँ दिखाती हूँ आपको जो मेरे पास लकड़ियाँ हैं। चलते चलते ना शूट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये देखिए, ये देखो अभी हम घर को जा रहे हैं। मेरे पास लकड़ियाँ और मैंने दुपट्टे में बांध दिए। इतने पत्थर है ना इस वाली घासनी में हमारे, बहुत ज़्यादा पत्थर है। और शुरू शुरू में मेरे को चलना भी नहीं आता था, जब मेरी शादी थी ना तो इन पत्थरों में मुझे ना बिल्कुल भी चलना, मैं पता नहीं कितनी बार गिरती थी, फिर उठती थी और फिर रोती थी। और पता क्या बोलती थी, मम्मी मुझे कहाँ दे दिया आपने, क्योंकि मेरे मायके में ऐसे पत्थर नहीं होते ना। हंस रहे आगे, तो मैं बोलती थी कि मेरे को कहाँ दे दिए इन पत्थरों के बीच में। पथरीले पहाड़, पथरीले खेत, यहाँ पे सब कुछ पत्थर ही पत्थरों का है बना हुआ सब कुछ। देख पीछे देख सकते हैं आप, घास भी काटना ना तो बिल्कुल उंगली कटने का डर रहता है। तो मैं अपने मम्मी पापा को से बहुत नाराज रहती थी, क्योंकि मुझे पर पता क्या, समय के साथ साथ ना इंसान जो है आती हो जाता है, मतलब जगह का भी। और उड़िए जाए हो तो यहाँ पे खेतों में पहुँच चुके हैं अब हम, ये गेहूँ के खेत हैं। तो समय के साथ साथ ना इंसान आदी हो जाता है नहीं, कि अब मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, वहाँ पे जाना जो है, मतलब वहाँ पे इतना मन नहीं लगता। वैसे तो मम्मी पापा के पास किसका मन नहीं लगता, पर किसी भी लड़की की बात हो, जब बच्चे, अरे ऊपर फंस रही हूँ मैं, बच्चे हो जाते हैं और अपना एक फैमिली बन जाती है, एक परिवार बन जाता है, तो वहाँ वही जगह फिर अच्छी लगती है। फिर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छी है हमारी यहाँ पे जगह, सच्ची बात बताऊँ ना, हर सुख नहीं मिलते। हमारे नीचे मेरे मायके में बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे गर्मी नहीं होती। गर्मी बहुत, मतलब होती है बट कम होती है, बहुत कम होती है। यानी कि कितने परसेंट हो यानी पाती उनके अकॉर्डिंग गर्मियाँ सर इतनी है? हाँ कम से कम 20, मतलब 20 क्या 50% का फर्क है, वहाँ पे बहुत होती। तब फिर मेरे को नहीं है, अच्छा है यहाँ तो स्वर्ग है, गर्मियों के लिए तो स्वर्ग है हमारा गांव यहाँ पे पहाड़ी, बिल्कुल टॉप पे है ना। तो बस चलिए अब हम चलते हैं घर में। और फिर और देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये मैं लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी कूट लूँगी, और मिर्चें और प्याज, टमाटर नहीं डालने हमने, इमली लगानी इसमें। ठीक है, तो इमली लगाएंगे तो टमाटर नहीं लगाएंगे।
तो ये देखिए, फिर यहाँ पे ये इमली है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था, और फिर इसको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि रेता वगैरह होता है ना इमली में, तो ये इसका वेस्ट मटेरियल निकल गया, और इसको मैं ऐसे यहाँ पे छान लूँगी, अच्छी तरह से गिर भी गया थोड़ा सा साइड में, और ये मैंने कूट दिया, ये वाला मिर्ची और लहसुन मैंने कूट दिया था। अब इसमें मैं चने कूटूंगी थोड़े से, वैसे तो हो गए हैं ना ये, पर अभी देख ऐसे लग रहे हैं जैसे मतलब वो गाढ़ नहीं, वो ग्रेवी ना तड़का लगाने से ही बनेगी, थोड़ा सा मैं इनको कूटूंगी, इसकी भी ग्रेवी बनाऊंगी। ये देखिए, इसको मैंने कुंडी में कूट दिया, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है तड़का लगाने के लिए, तड़का ही लगाने का बर्तन है ये, बाकी थोड़ा बहुत और भी बन जाता है इसमें। तो इसको लगाने के बाद तेल हमारा गर्म हो चुका है, और फिर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया इसमें, बस ऐसे डाल दूंगी मैं, थोड़े 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 ज़्यादा नहीं मैं डालूंगी इसमें ये चीज़ें, और तेज पत्ता डाल दिया एक, इसका भी अलग टेस्ट आएगा, और थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी यहाँ पे, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें हींग का। और इस तरह से ये मैंने प्याज जो मैंने वो किया था, कद्दूकस किया था प्याज, वो डाल दिए इसमें, और फिर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद, इसको पहले हम भून लेंगे अच्छी तरह से, आँच ना चूल्हे की बहुत मतलब होती है, तो गैस से जल्दी हो जाता है चूल्हे के ऊपर गर्मियों में आजकल, पर मन नहीं करता, ये हींग डाला मैंने थोड़ा सा गर्मी, पर मन नहीं करता चूल्हे के पास बैठने का। तो मक्की की रोटी बनाई थी, इसके साथ बहुत अच्छे बने थे रात को, चने और नमक मैंने वहाँ पे चने पे ना कम डाला था चने में, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने, और हल्दी भी डाल दूंगी मैं इसी में, क्योंकि हल्दी मैं हमेशा तुड़के में डालती हूँ जब मैं तुड़का लगाती हूँ ना किसी भी सब्जी को, तो ये मैंने वो डाल दिया जो लहसुन और मिर्च, अदरक था नहीं मेरे पास, अदरक भी होता तो अच्छा टेस्ट आता, आपके पास होगा आपने बनाने होंगे तो आप जरूर डालना अदरक लहसुन और मिर्च, हरी मिर्च तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस इसको भूनने के बाद फिर जो लास्ट हमारा काम बचता है वो है, हल्दी मैंने डाल दी, तो अब डालूंगी मैं जो इमली वाला था ना, इमली का पानी वो डालूंगी मैं इसके, और इसको पकाएंगे हम कम से कम 5 मिनट तक इमली वाले पानी को। ये हो गया हमारा तड़का, और फिर इसमें ये डाल दूंगी मैं ये इमली वाला पानी, अब इसको काफ़ी देर तक काढ़ेंगे हम। और ये देखिए, अब यहाँ पे फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, थोड़ी देर बाद इसको देखा तो ये अब बहुत अच्छा, इसका मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, और पक चुकी है वो हमारी जो इमली की जो हमने खटाई लगाई थी वो अब पक चुकी है अच्छी तरह से, मतलब शाम के टाइम ना अंधेरे में इतना अच्छा नहीं दिखता, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। और अब डालूंगी मैं इसमें जो मैंने वो चने वो पीसे थे ना कुंडी में, अब इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, इसको भी पकाऊंगी मैं काफ़ी देर तक इसमें, 2-4 मिनट तक, 5 मिनट तक पकाऊंगी इसी में। ये देखिए, अब इसको दूसरे बर्तन में उल्टाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है छोटा है बर्तन जिसमें मैं तड़का लगा रही हूँ, तो इसको भी हम पकाएंगे 2-4 मिनट तक तो पकाना ही पड़ेगा इसको। ये देखिए, बहुत अच्छी जो इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो गई हमारी, अब मैंने वही रख दी यहाँ पे जिसमें चने डाले थे कढ़ाई में, और लाइट हो गई मेरे फोन की, और फिर मैंने अब इस कढ़ाई में भी नहीं, फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में पलटा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी थी ना जो जिसमें मैं बनाती हूँ सब्जी। तो ये देखिए, सारे इसमें मैंने जो तड़का था वो इसमें मिक्स कर दिया, लास्ट में मैं हरा धनिया और गरम मसाला डालूंगी जब इसको उतार दूंगी चूल्हे के ऊपर से। तो चलिए मक्की की रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ, स्पीड मैंने फास्ट कर दी है, और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं मक्की की रोटी, और चावल भी बनाए थे थोड़े से, क्योंकि मैं बिना चावल के तो मैं खाती नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये पानी रखा है यहाँ पे, और इसमें रखूँ मैं रोटियाँ, और फिर आग जलानी पड़ती है रोटी के लिए अच्छी तरह से, और अगर आपकी रोटी चिपकती हो ना तवे में, होता है ना कई बार, तो थोड़ा सा ठंडे पानी से नहीं पकती मक्की की रोटी, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा मतलब गुनगुना जैसा पानी, और तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दो आप, डाल दो थोड़ा सा, तो फिर रोटी नहीं चिपकेगी, कोई भी रोटी नहीं चिपकेगी, बस एक ही रोटी में लगाना शुरू की रोटी में, तो उसके बाद जो हमारी वो नहीं चिपकती।
और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया धो के नीचे उतार दिया था मैंने फिर, और ये चावल भी बनाए थे मैंने कुकर में थोड़े से, ज़्यादा नहीं थे, और मक्की की रोटी भी हमारी तैयार है। अब चलिए थाली देख लेते हैं और लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक आपको दिखाते हैं, पिकनी सॉरी क्लिप। हाँ जी, तो इस तरह से, और तो ये देखिए अब हम लगाएंगे थाली यहाँ पे। तो थाली में काफ़ी अच्छे चने हमारे बने थे, तो इस तरह से मैं इनको पकड़ा भी रही हूँ, ये ले भी रहे हैं। तो अब टेस्ट तो आप बता नहीं सकते, पर पता है इससे भी ज़्यादा गाढ़े बन सकते थे ये, पर क्या है ना मेरे घर वालों को ज़्यादा गाढ़ी चीज़ पसंद नहीं है, इनको तरी ज़्यादा चाहिए, तो मैंने फिर पानी लगा दिया। मैंने कहा भाई तरी खाओ, अगर आपने मतलब गाढ़े बने ना तो मतलब बहुत ज़्यादा लगते हैं, और ये इनको ना मक्की की रोटी के साथ वैसे भी ज़्यादा गाढ़े नहीं होते, पर मैंने पानी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दिया था, ज़्यादा लगा दिया था, तो क्योंकि हमें सबको ना घर वालों को नहीं, मैं मुझे भी ज़्यादा मतलब गाढ़ी चीज़ नहीं है पसंद, थोड़ा सा तरी वाली अच्छी लगती है, तरी ज़्यादा हो साथ में मक्की की रोटी बहुत अच्छी। ये देखो मेरी शिया, ये अभी घूम रही, बाहर आई थी ना, बाहर ले आई थी मैं, अभी इसको ये लगी है कि मैंने अंदर जाना है। शिया कहाँ जाना? और पता है मतलब ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे मैंने पकड़ा हुआ ना तो ऐसे बोलती है, अंदर चल, अंदर लेके चल मेरे को। छिया छिया देख तो बहुत 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 शरारती है, बहुत ज़्यादा। मेरे को मुँह धोनो बोला अपने शिव का, अपने शिव का खाया तूने कुछ? खाया था कुछ बस? तो क्या तेरे मुँह, तेरा रुक, क्या तेरे मुँह, रुक खा लिया इसने, और कुछ खाती है मेरे से ना कब कवर भी नहीं होती। आज इसका बर्थडे, नहीं बर्थडे नहीं सॉरी, 2 महीने की होगी आज ये पूरी, बर्थडे तो अगले साल आएगा, 1 तारीख को, 1 मई है ना आज, 1 मार्च को ये हुई थी, देखो 1 मार्च को इसका जन्म है, 1 मार्च 2020, अप्रैल, हाँ ये देखो बहुत ज़्यादा शरारती है पता है। अब तो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे तो ये बिल्कुल भी कवर नहीं हो रही है, अगर छूट जाए ना एक बार फिर नहीं है देखती, ऊपर से आदमी हो चाहे कोई भी हो ना, ये वो गंजे बात कर लो, गंज इतनी चलो क्या रे, अच्छा हो जाए, अच्छा मेरी तो सुनती है, मैं इसकी मम्मी मम्मी हूँ, मैं इसकी छोटी माँ हूँ, छोटी माँ मेरी, तो मेरी बातें तो मेरी शिया बहुत मानती है पता है आपको, अच्छी बच्ची है ये, गंदी बच्ची नहीं। अभी थक गई दौड़ दौड़ के ना, दौड़ रही थी, इतना भी दौड़ाना पड़ता बच्चे को, इतना भी दौड़ाना पड़ता इनको ना, इनकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, कहते छोटे बच्चों को नहीं इतना, पर ये रुकती नहीं, आती नहीं काबू, फिर गंदी जब एक बार छूट गया ऐसे तो बिल्कुल नहीं पकड़ी जाती, चंडे बानी छूनो करो छूनो करो छूनो करो, आप देखो बहुत शरारत है ये, बहुत बहुत ज़्यादा शरारती है ये पता है आपको। अब खड़ी हो गई, अब इसको ये है कि अंदर ले चल मेरे को, अंदर बांध बस छिया, चल फिर चल चल।